सुबह जल्दी कैसे उठे। अगर आप भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो वीडियो आपकी बहुत ही काम की है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 हैबिट्स बताने वाला हूं, जिन हैबिट्स को उपयोग करके आप प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सुबह सबसे पहले पावरफुल क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। उस समय अगर आप नहीं उठते हैं तो आपका सारा थॉट्स वेस्ट हो जाता है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय आपका फोकस, मेंटल क्लैरिटी, माइंड पूरा शांत होता है। इस समय का वातावरण पूरा शांत होता है। जैसे कि आपको किसी दिन फ्लाइट पकड़ना रहता है या फिर एग्जाम रहता है, तो उस दिन आप बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सोने से पहले आप ये प्लानिंग करके सोते हैं कि कल मेरा फ्लाइट है, कल मेरा एग्जाम है, मुझे सुबह जल्दी उठ जाता है। ये प्लानिंग आपके सब कॉन्स्टिट्यूशन माइंड में जाके बैठ जाता है और उस दिन आप बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास कोई वजह होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई वजह नहीं होगा तब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रूटीन बनाना होगा। उस रूटीन को प्रत्येक दिन फॉलो करना होगा। उस रूटीन को अपना हैबिट्स बनाना होगा। हैबिट्स नंबर 1, मेडिटेशन। हर व्यक्ति का मेडिटेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। पूजा, स्टडी, जप करके ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन शांत होता है। हैबिट नंबर 2, योगा। हर व्यक्ति का योगा करने का अलग अलग तरीका होता है। दौड़ना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, एक्सरसाइज करके। हैबिट नंबर 3, बुक पढ़ना। इस समय आपका मन शांत होता है, आपका मन शांत होता है। इस समय आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं आपके सब कॉन्स्टिट्यूशन माइंड में जाके बैठ जाता है और वो चीज़ें आपको लॉन्ग समय तक याद रहता है। इस समय को, इस ब्रह्म मुहूर्त को वही व्यक्ति लाभ उठाता है। आज जितने भी आप सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हैं वो इसी समय को कभी भी छोड़ता नहीं है। इस समय को सही दिशा में उपयोग करता है तब जाके आज वो सक्सेसफुल है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप भी इस समय, इस ब्रह्म मुहूर्त समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सही दिशा में इसे उपयोग करते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले अलार्म लगाते हैं 4:30, 5:30 या फिर 6, तो जब भी आप अलार्म लगाते हैं तो जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड पे आपको मोबाइल नहीं रखना है, बल्कि उस बेड से 2 कदम आगे रखना है, ताकि अपने समय पे जब भी अलार्म बजे तो आपको बार बार डिस्टर्ब करे, ताकि आप उस बेड पे से उठना पड़े। और जब भी आप उठ करके वहाँ तक वॉकिंग करके जाएंगे तो आपका नींद खुल सकता है, आप कहीं ना कहीं उस समय उठ सकते हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।